हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कुकिंग चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल, जो कि हम उपवास करते हैं और उपवास में सिर्फ यहाँ हमें मीठा चलता है और यहाँ नमक का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। तो इस रेसिपी में हम इसी तरह के लड्डू बनाने वाले हैं जिसमें नमक का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और ये स्पेशली नवरात्रि के लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं दो टाइप के लड्डू। पहला तो है राजगिरा लड्डू और सेकेंडली हम बनाएंगे मूंगफली लड्डू, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो मैंने बनाए हैं इसको ऐसे ही नहीं बनाया जाता, इसे कुछ ट्रिक्स के साथ ही बनाया जाता है। तो ये जो ट्रिक्स है ये मैं रेसिपी के दौरान शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप मिस ना करें, बिल्कुल लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है। तो यहाँ मैंने लिया है राजगिरा, जो कि आप देख रहे हैं। एक बाउल के नाप से मैं लूँगी। इसे हमें इस तरह से फोड़ना है। फोड़ना यानी क्या, तो यहाँ मैं एक कढ़ाई रख दूँगी, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। फिर एक बाउल में मैं राजगिरा, इसे आम तौर पर रामदाना भी कहते हैं, इसे हमें फोड़ना है। फोड़ना यानी किस तरह से, ये आप देख लीजिए। इसे अच्छे से भूनते जाना है, करीबन हमें इसे तब तक भूनना है जिससे हमें इसका जो व्हाइटिश पार्ट जो आप देख रहे हैं या देख सकते हैं वो पूरा निकल ना आए। यानी हम पॉपकॉर्न जैसे बनाते हैं मक्के का, उसी तरह से ये व्हाइटिश पार्ट इसका निकल आएगा, और वो जो व्हाइटिश पार्ट निकलेगा वो हमें चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे यहाँ भून लूँगी, और इस टेक्निक से आपको ये भूनना है। फटाफट से इसे हमें चलाते जाना है, साथ में मीडियम फ्लेम यहाँ गैस का रखना है, और ऊपर से मैंने इस तरह से ढक्कन रखा है जो कि ये बहुत फास्टली उड़ते हैं, जिस तरह से पॉपकॉर्न हम बनाते हैं उसी टाइप से। तो ये मैं इस तरह से भून लूँगी। फ्रेंड्स, शायद ही आपको पता होगा कि रामदाना को आमतौर पर राजगिरा कहते हैं। इसका सेवन अक्सर पूजा के समय उपवास करने पर किया जाता है। खास करके नवरात्रि के समय रामदाना का लड्डू बनाते हैं, जो कि आज हम यहाँ बनाने वाले हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसके कारण इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ी टाइम लेने वाली प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ दो कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। साइड बाय साइड मैंने यहाँ दूसरी कढ़ाई में भी ये डाल दिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कितने परफेक्टली ये भी अच्छे से फूल रहे हैं, जो कि हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। दोनों कढ़ाई का यूज़ करते हुए मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ हम आगे प्रोसेस करेंगे, जो कि ये परफेक्टली रेडी है, ये हमें आगे डालना है। तो यहाँ मैंने और एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम बनाएंगे चाशनी, यानी हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। इसलिए मैंने आधी कटोरी यहाँ पानी डाल दिया है, साथ में ये जो कटोरी है दूसरी वाली वो मैंने आधी से ज़्यादा यूज़ किया है गुड़। और ये गुड़ हमें यहाँ मेल्ट करना है, यानी थोड़ी सी चाशनी बनानी है। हम चाशनी तो हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन इसकी चाशनी थोड़ी डिफरेंट है। तो आप यहाँ देखेंगे ये गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा, करीबन हमें 5 से 7 मिनट यहाँ लगेंगे। कंटिन्यूसली चम्मच को हमें चलाते जाना है, ऊपर से इस तरह के बबल आएंगे, फिर हमें इसे थोड़ा गाढ़ा होने देना है। तो इसलिए कंटिन्यूस चम्मच चलाते जाएं, और बबल्स आने के बाद और 2 या 3 मिनट हमें लगेंगे, ये फास्टली गाढ़ी बनेगी। और यहाँ फ्लेम मीडियम रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ही चाशनी रेडी हो जाएगी इस तरह से, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, परफेक्टली ये गाढ़ी हो चुकी है। इस टाइम गैस हमें बंद कर लेना है। यह मैंने गैस पूरी ऑफ कर दी है, और ये मैं जो डालूंगी, जो मैंने लाही या लाही कह सकते हैं या राजगिरा फोड़ा हुआ हम कहें, ये इसमें डाल देंगे। आप बाउल का नाप हिसाब से लेंगे, तो मैं बता दूँ कि मैंने पूरा एक बाउल राजगिरा यहाँ फोड़ लिया है, साथ में जो गुड़ यूज़ किया है वो आधे से ज़्यादा बाउल यूज़ किया है, और चाशनी समय सिर्फ मैंने आधे से कम बाउल यहाँ पानी यूज़ किया है। तो प्रोपोर्शन आप ज़रूर ध्यान में रखें, साथ में इसे फटाफट से मिक्स करते जाए। यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दिया है, जैसे ही चाशनी बन गई है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ ध्यान रखें। यहाँ मैंने ये गर्म होता है, इसे गर्म मिक्सचर के हमें लाड़ू बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने हाथ में पानी लगा लिया है, और इस तरह से इसके लड्डू बनाते जाऊंगी, जो कि बहुत फास्ट करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ हम प्रेस करते जाएंगे, दोनों हाथों का यूज़ भी आप कर सकते हैं, और परफेक्टली गोल, जैसे साइज़ आपको पसंद आए उस हिसाब से आप साइज़ रखें, यह लड्डू बना लेंगे जिस तरह मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से सारे लड्डू मैं यहाँ बना दूँगी,
वन बाय वन करके, लेकिन बहुत फास्ट करना पड़ता है। गुड़ जो होता है ये गुड़ फास्टली बॉन्डिंग पकड़ता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट और उपवास के लिए रेडी। इसमें बिल्कुल नमक नहीं यूज़ किया जाता है और नवरात्रि के लिए खास करके बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट तरीका है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ ये बनाया जाता है। साथ में अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो यहाँ करनी पड़ेगी। कि लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं तो आगे हम बढ़ते हैं जहाँ हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ सेकेंडली हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। तो पहले हमें ये पैन पर अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके छिलके निकाल लेने हैं। इस तरह से पूरे छिलके निकालने के बाद ये जो हाफ हाफ पोर्शन में है इस तरह की मूंगफली हमें चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने ये रेडी कर ली है। ये पूरा एक बाउल है, नाप के हिसाब से आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये पूरा एक बाउल मैंने लिया है। अब यहाँ हम फिर से बनाएंगे चाशनी, वही प्रोसेस हमें रिपीट करने हैं। आधी बाउल मैंने पानी लिया है, गुड़ भी मैंने आधी कटोरी यूज़ किया है। तो इसे भी हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। चाशनी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यह जो हम इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर बबल आ चुके हैं और ये गाढ़ा भी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर इस दोनों प्रोसेस में आप चाशनी परफेक्ट बना लेंगे तो ये लड्डू भी परफेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ जो मूँगफली के दाने मैंने रखे थे एकदम रेडी, छिलका वगैरह निकाल के ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ भी मैंने गैस ऑफ कर लिया है, ये ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ दोनों टाइप में एक सिमिलरिटी है कि जो हम गुड़ के चाशनी बनाते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो बहुत फास्टली हमें मिक्स करते जाना पड़ता है, क्योंकि गुड़ बहुत फास्ट गाढ़ा बनता है और बॉन्डिंग भी बहुत फास्ट पकड़ता है। तो यह जो प्लेट मैंने रखी है उससे पहले मैं घी डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, ये परफेक्ट रेडी रखूँगी। फिर इसमें मैं मिक्सचर डालूँगी जो कि इस तरह से मैंने डाल दिया है, और ये फास्टली हमें बिल्कुल थपथपाते हुए इसे शेप दे देना है जो कि इस तरह से मैं यहाँ दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं और या फिर आप इसके लड्डू भी कर सकते हैं, लेकिन हम बनाने वाले हैं स्पेशली लड्डू। तो मैं सिर्फ आपको ये बता दे रही हूँ कि ये किस तरह से हमें फटाफट से इसका शेप देकर हम इसके क्यूब्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बनाने हैं लड्डू। तो यह हमें लड्डू बना कर आपको दिखा दूंगी। इस तरह से ये वन बाय वन करके मैं सारे लड्डू बना दूंगी। साथ में जो मैंने स्क्वायर करके रखा था वो भी हमें यहाँ आगे देखना है। तो ये बिल्कुल गर्म है, उसी तरह से मैंने हाथ को पानी लगाकर फटाफट से यहाँ लड्डू रेडी कर लिए हैं, जो कि इस तरह से पूरे लड्डू रेडी हैं और एकदम परफेक्ट। ये टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया होता है। और साथ में ये पपड़ी जो मैंने आपको बताई थी स्क्वायर शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो ये कुछ लड्डू और वो पपड़ी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ, साथ में नवरात्रि स्पेशल जहाँ हमने नमक बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो ये हो गए हैं रेडी। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो जो डाला है उपवास स्पेशल, उसमें मैंने 5 रेसिपी उपवास की एक ही वीडियो में प्रिपेयर करके आपके लिए खास बनाई हैं। आप वो भी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, ज़रूर देखें। और ये जो रेसिपी बनाई है उसके टिप्स के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी तरह की परफेक्ट रेसिपी और नवरात्रि के लिए खास बिना नमक का जो आप हमेशा बनाते हैं उनके लिए ये खास रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपसे ज़रूर पूछूंगी कैसी लगी मेरी नवरात्रि स्पेशल खास रेसिपीज़। ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की कुछ परफेक्ट रेसिपी आपके सामने मैं हमेशा लाती रहूँगी और आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।